गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लास्ट व्हाट यू डू इन लास्ट 10 डेज एंड हाउ इफेक्टिवली यू कैन प्रिपेयर इन लास्ट 10 डेज। तो आज का लेक्चर बड़ा स्ट्रेंज सा है, मतलब आई गॉट नंबर ऑफ मैसेजेस एंड मेल्स रिक्वेस्टिंग दैट आई शुड गाइड अबाउट हाउ टू कंसोलिडेट लास्ट मिनट कंसोलिडेशन ऑफ स्टडी मटीरियल। ऑल दो मेरे को ऐसा लगा कि अभी तक तो सारी कंसोलिडेशन नोट्स की हो जानी चाहिए, बट इट इज़ अ रेलेवेंट टॉपिक ऑल्सो बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं बट हम कभी सोचते नहीं, बड़ी बेसिक सी बात होती है कि इसको फिल्टर कर लें हम एक बार, है ना। तो लास्ट 8 दिन बचे हैं आपके फाइनल पेपर में, तो इस वक्त 8 दिन के अंदर आपको कैसे अपने स्टडी मटेरियल को थोड़ा सा फिल्टर आउट करके छोटा कर लेना है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं ऐसा करने से, है ना, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो लेट अस सी। तो मैंने एक बेसिकली एक प्रोटोटाइप सा तैयार किया है यहाँ पे, रिंदर जी दिखाएं ज़रा, एक प्रोटोटाइप सा तैयार किया है मैंने यहाँ पे कि आपका टेबल कैसा होता है, उसमें कुछ बुक्स पड़ी हैं, ये देखो ये बुक्स पड़ी हैं, फिर आपके कुछ नोट्स पड़े हैं, ये देखो नोट्स पड़े हैं जो आपके, फिर आपके ये कुछ क्लास रजिस्टर थे जो आपने कोचिंग लिए या वो पढ़े हैं, है ना, कुछ मैगजीन्स पढ़ी हैं आपके पास, फिर किसी इंस्टीट्यूट के आपके ये स्टडी नोट्स भी पढ़े हैं, है ना, फिर NCERTs तो रहती हैं हमेशा, है ना, और देखो एक मास्क भी पड़ा है। तो ये तो हम रखते हैं आजकल। तो आइडिया इज कि दिस इज अ टिपिकल स्टडी टेबल ऑफ अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, और सिर्फ एक सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल है ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का है। तो ऐसे कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितना सामान हो जाएगा आपके पास। तो मैं ये मेरा ये मानना है कि हमारा जो ब्रेन है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, लेकिन ये बहुत ही सटीक सी भाषा समझता है। तो हमें अपनी तैयारी को उस तरह से ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन उस बात को समझ जाए कि आप क्या करना चाह रहे हो, है ना। तो बेसिकली जब आप स्टडी मटेरियल लास्ट मोमेंट 8 दिनों में क्या है कि आपको नया तो डेफिनेटली कुछ नहीं पढ़ रहे होगे आप, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा नया पढ़ने का भी वक्त नहीं है, है ना। तो बेसिकली जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को हमें एक फनल में डालना है कि एक फोकस्ड फॉर्म में रिविजन सी हो जाए, है ना। तो यही हमारा मकसद है, है ना। और अगर ब्रेन को हम ये मैसेज देंगे कि यार सिर्फ इतना ही पढ़ना है तूने, तो वो अच्छे से उसको फोकस करके रिवाइज कर पाएगा, बेसिकली ये है। तो मेरा क्या मकसद है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारा जो इतना सारा मटेरियल है ये टेबल पे पड़ा है, यही कॉन्फिडेंस लो क्रिएट करता है। तो हमें इसी मटेरियल को ख़त्म कर देना है, हमने इस मटेरियल को चुन के इसका इसमें से क्रक्स निकाल के इसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के बाकी सब मटेरियल को साइड पे कर देना है, राइट। अब देखो कैसे करना है इसको। वन थिंग इज नीचे करिए। अब देखो सबसे पहले आपने अपनी लाइफ में NCERT पढ़ी थी, है ना, अपने टेबल पे NCERT जरूर रखनी है आपने, जो भी NCERT है। सपोज पॉलिटिक, हम एग्जांपल पॉलिटिक का ले लेते हैं, यहाँ बुक्स पॉलिटिक की नहीं होंगी सारी, लेकिन अपना हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या, जैसे पॉलिटिक NCERT का तो रखना है। NCERT क्या है कि बड़ी सिंपल होती हैं और माइंड में टेंशन क्रिएट नहीं करती NCERT। तो आपके टेबल पे अगर पड़ी भी है तो सूदिंग सा इफेक्ट आता है NCERT से, है ना। ये माइंड को समझने की बातें हैं, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन करके देखोगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन करके देखोगे तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदा तो होगा। जैसे कल परसों ही मैंने एक बच्चे को करवाया ये प्रैक्टिकली, तो उसका बड़ा अच्छा मैसेज आया मेरे को कि सर बहुत फ़ायदा हुआ इससे मेरे को। बात छोटी सी लग रही थी पहले मुझे, लेकिन जब मैंने करके और मेरे को इतना लाइट फील हुआ माइंड से और मेरा पढ़ने का दिल किया, नहीं तो मैं इतना बर्डन फील कर रहा था कि मेरे को पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था कोई। लास्ट मोमेंट में ना पढ़ूँ तो और भी गिल्टी फील होता है। तो वो उसको मुझे अच्छा, आई ऑल्सो फेल्ट एनकरेज कि ठीक है ये बात शेयर की जा सकती है। ये NCERT आपने रखनी ज़रूर है। दूसरा है कि आपके पास 2-3 मैगजीन्स पड़ी होंगी, ये मैगजीन सबसे बड़ी बीमारी है। अब मैगजीन में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, ये 4 पेज इंपॉर्टेंट लगते हैं सपोज़ कि हाँ ये मेरे रिविजन में काम आएंगे, इनको फाड़ लो, ठीक है ना। सपोज़ ये मैगजीन है, अब मैंने ये 3 पेज मुझे काम के लग रहे हैं, मैंने फाड़ लिया, ये फाड़ लिया और फाड़ के मैंने अपने एक जगह पे स्टैक कर लिया, ठीक है, और इस मैगजीन को मैंने फेंक दिया नीचे कि जा भाई काम खत्म हो गया तेरा। अब ये नोट्स हैं, सपोज़ किसी भी इंस्टीट्यूट के आपके पास नोट्स पड़े हैं, नोट्स हैं आपके पास, वो रखे होंगे डेफिनेटली आपने। अब उस सब्जेक्ट की बुकलेट उठाई है आपने, नोट्स भी हमारे कोई लंबे काम के नहीं है, इसको भी देखो एक 15-20 मिनट लगाओ, स्कैन करो कि हाँ इसमें से कोई ऐसा पेज है जो आपको अभी रिविजन के लिए स्पेसिफिकली चाहिए। घबराओ मत, अब चाहिए अगर आपको लगा कि हाँ ये पेज है यार, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये मेरे को लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है ना, या ये मुझे ये वाला पेज चाहिए, तो आपने उस पेज को फाड़ा ऐसे करके, फाड़ के अपना, सपोज़ ये पेज है, आपने फाड़ के उसको अपना यहीं पे डाल दिया, ठीक है। अब ये भी नीचे फेंक दिया आपने, चल भाई ये भी ख़त्म हो गई,
ये सारी ऐसे जो नोट्स हैं आपके, इन ये सब जंक हैं, इनको ये टेंशन देने वाली चीज़ें, इनको ख़त्म कर दो बिल्कुल, ठीक होगी बात। अब देखो, अब ये आपका ये रह गया, अब आप आगे बुक्स, अब आप सपोज आप पॉलिटी कर रहे हो तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है आपके पास, हो सकता है आपके पास डीडी बासु भी हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो सुभाष कश्यप भी हो सकती है, एक दो बुक्स और भी हो सकती हैं, अपना वो हो सकता है, अपना बेयर एक्ट हो सकता है पीएम बख्शे का, ऐसी चार पांच किताबें आपके पास पॉलिटी की हो सकती है ना, एक आधी कोई और गाइड भी हो सकती है कि अच्छी किताब आपको सो कॉल्ड मिल गई। अब आप पाँच छः किताबें आपके पास पढ़ी हैं और आपके पास ये कंपेंडियम सा भी पढ़ा है सपोज, जो आपने किसी भले वक्त में खरीद लिया था लेकिन रखा हुआ है आपने, है ना, तो आपने क्या करना है, देखो ये कंपेंडियम का सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के पास ये कंपेंडियम है और अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको टेबल पे मत रखो, या आपने इसमें से एक सेक्शन अगर पढ़ा हुआ है तो उस सेक्शन को निकाल लो, इसमें से सेक्शन को निकाल के अपने पास रख लो और इस कंपेंडियम को फेंक दो नीचे, ये भी फेंक दिया मैंने, ठीक हो की बात। अब ये आई बुक्स कि भाई पांच बुक्स हैं इस बैठ की मेरे पास, इसका क्या करना है मैंने, इसका क्या करना है मैंने, अब देखो बी प्रैक्टिकल, सेंटी नहीं होना। आपने इन पांच बुक्स में से, अब डीडी बासु हुआ है ठीक है आपने पढ़ी थी, क्या आपको अभी अभी इसको रिवाइज करना है कुछ, क्या इतना मैं बता दूं, डीडी बासु इज नॉट अ बुक विच इज रिक्वायर्ड फॉर लास्ट टाइम रिविजन, लास्ट टाइम की बुक नहीं है ये, लॉन्ग टर्म वाली बुक है। तो हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जिसको मैंने पूरा पढ़ा है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है और जिसको लास्ट मोमेंट पे शायद मैं रेफर करना चाहूँ, आपने उसमें से एक किताब रख लेनी है। जैसे अब बेयर एक्ट है पीएम बख्शे का, बेयर एक्ट तो आपको, अगर बेयर एक्ट है आपके पास तो बेयर एक्ट तो चाहिए चाहिए आपको, बेयर एक्ट आपने रख लिया, ये आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा ठीक है। लेकिन अगर कोई बुक ऐसी है जो आपने पढ़ी है, जैसे लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है तो उसको रख लो टेबल पे, बाकी सब उठा के नीचे फेंक दो, ये भी गई खत्म, फेंक दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ, आपके क्लास रजिस्टर और आपके ये नोट्स हैं जो आपने बना रखे हैं, जो आपने इधर उधर से इकट्ठे करके इतना बड़ा इकट्ठा कर रखा है, अब इस पे आपने दो घंटे लगाने हैं, ये मत, डोंट कीप इट लाइक दिस ओनली। अब आप आठ दिन रह गए हैं, डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस के अंदर से होंगे जो अब आपको नहीं चाहिए, समझो आपको नहीं चाहिए, अब आपके आपको याद हो गए हैं, आपको कभी भी अब रिवाइज नहीं करने हैं, तो अल्टीमेटली ठीक है आप इसको फिल्टर कर करके इसमें से ठीक है ये दो पेज चाहिए मुझे, इसकी ढेरियाँ लगाते जाओ कि ठीक है ये इसमें से ये चार पेज चाहिए, आप ढेरियाँ लगा लो इसके, है ना, कि ये मेरे को बिल्कुल रिवाइज करने करने हैं, ये भी रिवाइज करने हैं, इसको इधर रखो, बिल्कुल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्टरिंग करनी है, जो मेंस का इसमें मटेरियल होगा निकाल देना सारा बाहर, अगर आपको मेंस का बिल्कुल नहीं पढ़ना तो निकाल देना बाहर आपको, ठीक है ये कर लेनी है। अब इसको फिल्टरिंग करके आपके मतलब वन थर्ड पेज रह जाएंगे कि भैया इतने के पेज रह गए बस इसमें मेरे, या इतने पेज रह गए, जितने भी पेज रह गए उसको बस जितना आप फिल्टर कर सकते हो आप कर दो और उसको रिड्यूस कर दो कि भाई मेरे अब इतने पेज रह गए, ठीक है। अब जितने पेज आपके फाइनली रह गए जो आपने रिवाइज करने हैं वो आपने फिर एनसीईआरटी के अंदर डाल दिए मैंने, और बाकी जो नहीं चाहिए अभी उसको उठा के आपने टेबल से उठा के नीचे रख दिया, खत्म। थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी इसमें, मन को टफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा लगता रहेगा यार उसमें एक चीज थी मैंने पढ़नी थी यार, कहीं वही ना आ जाए पेपर में, अरे यार उस बुक में भी थी मैंने पढ़ा था एक बार, वो मैंने सोचा था लास्ट मोमेंट में पढ़ूंगा मैंने, मैं तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने को कंट्रोल रखना है, उस टेबल पे रख के ज़्यादा नुकसान है ना, और ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जाता अल्टीमेटली, वो तंग करती रहती किताब और लास्ट मोमेंट तक आप डाउट में रहते हो अपने आप ही कि यार वो भी पढ़ना था वो भी पढ़ना था, और ऐसे ही माइंड सेट के साथ आप फिर फाइनल पेपर में जाते हो कि यार वो चार चीज़ें रह गई यार, वो नहीं पढ़ी वो नहीं पढ़ी वो नहीं पढ़ी, ठीक है तो वो उड़ा दिया आपने। अब रह गया आपके पास ये क्लास के रजिस्टर, ठीक है ना। अब हो सकता है आपने ये क्लास के रजिस्टर अगर अंडरलाइन किए हुए हैं पढ़े हुए हैं, इसको रखो अपने पास, जो आपकी शुरू की चीज़ें हैं ना जो आपने अपने हाथ से करी हुई हैं वो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देंगी, बिकॉज वो खुद आपने अपने हाथ से करी हैं। तो आपने ये रख लिया ये रख लिया, अब पॉलिटी का मेरे पास सिर्फ ये सामान रह गया, और अगर लगता है इसमें से कोई कदा रजिस्टर बेकार है नहीं करना, निकाल दो उसको बाहर कि ठीक है एक ये किसी काम का नहीं है यार, ये निकाल दिया बाद में, ठीक है ये दोनों ठीक है बस। अब आपके पास सिर्फ ये सामान रह गया जो आपने रिवाइज करना, अब ब्रेन ये समझता है, अब ब्रेन को मैसेज आपने दिया कि यार ये चीज़ ना मैंने तीन बार डिवाइड करनी है, ये चार तारीख तक 4th अक्टूबर तक आई विल रिवाइज दीज थिंग्स 4 times, ये चार चीज़ें मैंने रिवाइज करनी है अपनी,
तो ब्रेन इसको बेस्ट समझता है और ब्रेन आपका मन करेगा पढ़ने का, आपका मन करेगा बार बार रिवाइज करने का। लेकिन अगर इस टेबल पे ढेर लगा पड़ा है, ब्रेन अवर्स हो जाता है, उसको कहता है मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना मुझे पता ही नहीं, टाइम रह गया 8 दिन और ये पढ़ी है इतनी सारी किताबें, अगर मैं पेज भी पलटने लगूँ तब भी नहीं पूरी होनी। तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि आप एक कंफ्यूजन के माहौल में प्री देने जाते हो। तो मेरा टास्क यही है कि आप अपने मटेरियल को इस तरह से छोटा सा कर लें और फिक्स कर लें कि भैया मैंने तो अब 4 तारीख तक यही रिवाइज करके जाना है, और इस इतने से मटेरियल को तो डेफिनेटली आप 2 या 3 बार रिविजन कर दोगे क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। 4 घंटे भी लगाओगे चल रिवाइज, 3 दिन बाद 4 घंटे 5 घंटे लगाओगे फिर रिवाइज। तो माइन्यूट चीज़ों मोटी चीज़ें पकड़ो कि हाँ यार मैंने ये मटेरियल मेरा है और मैंने ये पढ़ना है। लेकिन एक 2-3 टिप्स मेरी पक्की हैं आपकी, NCERT नहीं छोड़नी, वो कॉन्फिडेंस देती है आपको, चाहे एक आधी बार जब टेबल पे पड़ी होगी ना तो घुमा लोगे आप। NCERT बिल्कुल नहीं छोड़नी, अपने क्लास के रजिस्टर अगर आपने काम के हैं आपके, आपको लगता है कि हाँ इसमें क्वालिटेटिव मटेरियल है, वो आपने पढ़ा हुआ है आपने रखना है, या अपने नोट्स आपके हैं सारे जो आपने खुद बनाए हुए वो तो सबसे अच्छे हैं वो रखने हैं, और एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो आपने जिसको बेस बनाया हुआ है आपने वो अपने पास रखनी है, बाकी सब उड़ा देना है टेबल से, जो अड़गम पड़गम इकट्ठा कर रखा है सब साफ कर दो, ठीक है ना। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन ये है कि अल्टीमेटली अवर ब्रेन ओनली अंडरस्टैंड्स डेफिनेटिव मैसेजेस। जब मैं एक अपने ब्रेन को स्पेसिफिक मैसेज देता हूँ जिसको ब्रेन कॉम्प्रिहेंड कर सकता है उस मैसेज को, मैंने ब्रेन को मैसेज दिया कि यार मैंने 4 तारीख को प्री देने जाना है और उस पर्पज़ के लिए मेरे पास 8 दिन है अभी, और 8 दिन के अंदर मेरे 6 सब्जेक्ट हैं मोटे से, और 6 सब्जेक्ट का मैंने ये नंबर 1 स्टडी मटेरियल है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 ये है। अब ये 6 स्टडी मटेरियल को मैंने 8 दिन में अपने ब्रेन को मैसेज दिया कि यार 2 बार रिवाइज जरूर करना, मैंने ब्रेन अपने आप एडजस्ट कर लेगा क्योंकि उसको दिख रहा है ये मैंने रिवाइज करना, ये मैंने रिवाइज करना, ये मैंने रिवाइज करना, ये मैंने रिवाइज करना, उसको दिख रहा है क्लियर कट कंटूर्स दिख रहे हैं। अब एक टेबल पे एक स्वेट के इतने भरे पड़े हैं, एक पूरा कॉर्नर भरा पड़ा है, और मैं ब्रेन को मैसेज दे रहा हूँ कि वो कहेगा कि किसको रिवाइज करना है। सम ऑफ यू मे फाइंड माई थिंग्स स्ट्रेंज बट इट इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इट इज आउट ऑफ रिपीटेटिव थिंग्स कि हाँ ये काम करती है चीज। तो आइडिया इसकी, ये आपको ब्रेन को मैसेज दे दिया कि इतना पढ़ना है, ब्रेन का मन करेगा वो अपना टास्क अकम्प्लिश करेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने ब्रेन को ये भी मैसेज दे दिया ना कि 3 बार रिवाइज करके जाना है, वो 3 बार के लिए टाइम निकाल लेगा अपने आप क्योंकि उसको पता है कि इतना ही करना है और आप प्री क्लियर करना चाहते हो और वो मन से चाहते हो, आप उसमें कोई मिलावट नहीं है कि आप प्री नहीं क्लियर करना चाहते। जब आपका इंटेंशन क्लियर है और ब्रेन आपका वो व्हीकल है जिसने इस आपकी इंटेंशन को कंप्लीट करना है, अगर आपने उसको क्लियर कह दिया कि भैया ये है कि इसको पढ़ के मेरा प्री क्लियर हो जाएगा इस तरह से, तो ब्रेन दुगनी गति से काम करेगा और आपका साथ देगा ब्रेन, नहीं तो वही ब्रेन आपको उल्टा ले जाएगा। अगर वो वेग है पढ़ने का मन नहीं करेगा, सर नींद आ ही जा रही है, सर जो मैं पढ़ रहा हूँ भूल ही जा रहा है, सर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, ये सब बेकार की बातें हैं। आप प्री क्लियर करना चाहते हो फिर क्यों नहीं कर रहा मन? क्योंकि आपका व्हीकल ठीक नहीं है, आपने ब्रेन को ठीक मैसेज दिया नहीं हुआ, आपका मेथड ठीक नहीं है, तभी ये बातें आती हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं आएंगी। या फिर आप बनना ही नहीं चाहते, या तो आप प्री क्लियर करना ही नहीं चाहते, तो ब्रेन तो बिल्कुल वैसे ही कंफ्यूज है फिर कि भैया प्री क्लियर करना नहीं चाहता तो मुझे पढ़ने को क्यों बोल रहा है। दूसरी बात है कि आप प्री क्लियर करना चाहते हो, ब्रेन कहता है यार प्री तो क्लियर करना चाहता है ये, लेकिन मुझे बता रहा नहीं करना क्या है, वेग से मैसेज दिया जा रहा है, अब मुझे पता तो लगे ना कि क्या चीज पढ़ने से मेरा प्री क्लियर होगा। तो इस वक्त तो प्रॉपर रिविजन करने से प्री क्लियर होगा, ताकि जो चीजें आपकी गैप्स हुए हैं बीच में से कुछ याद नहीं है छुटी हुई हैं। मैं इसका एक और मेथड बताता होता हूँ कि ये स्टिकॉन्स ऐसे भागेगा दौड़ेगा कि आप उसकी स्पीड को देख के भी, आपने स्टिकॉन लगा दिया यहाँ पे कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, नंबर 1 लिख दो इस पे, फिर ये नंबर 2 लगा दो इस पे, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, 2 लगा दिया। ऐसे आपने अगर प्रायोरिटाइज करके अपने सारा ये मटेरियल अरेंज कर दिया, फिर तो ब्रेन आप ब्रेन की स्पीड को भूल ही जा करेंगे ब्रेन की स्पीड। सो दिस वाज आई व्हाट आई वांटेड टू शेयर
एंड होप दिस थिंग वर्क्स फॉर यू एंड होप यू यूज इट, ठीक है ना? तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं, आपको कोई बेनिफिट होता है, डेफिनेटली शेयर इन द कमेंट्स बिलो दिस लेक्चर सो दैट अदर्स में ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है ना? तो बट बस मेरा कंसर्न था, बच्चों ने कुछ शेयर किया तो मुझे लगा कि हाँ नहीं ये बताना चाहिए, है ना? सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? एंड आपको कुछ और भी कोई आस्पेक्ट आपका तैयारी में प्रॉब्लम आ रही है लास्ट 8 दिनों में तो डेफिनेटली आप नीचे पोस्ट कर दें कमेंट में, तो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड अ लेक्चर फॉर दैट, ठीक है? कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये नहीं पता लग रहा मुझे, बट आपको एक और मैंने एक चीज़ ट्रेंड देखा ऑनलाइन में, तो उसमें मैंने ये देखा कि अल्टीमेटली कई लेक्चर्स मैंने देखे जो अब डाल रहे हैं लोग कि 100 ये लिस्ट हैं, ये 100 टॉपिक्स तैयार करने हैं आपको, ये 50 टॉपिक तैयार करने हैं, वो एक घंटे का लेक्चर है, 50 टॉपिक वो बताई जा रहे हैं आपको कि ये तैयार करना चाहिए, ये तैयार करना, ये तैयार। भाई ये वक्त वो लेक्चर देखने का नहीं है, एंड मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा जो डाल रहे हैं कि आप इस वक्त बच्चों को कन्फ्यूज़ ना करें, जिसने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, अब 8 दिन में कौन से लिस्ट हैं 50 तैयार कर लेगा बच्चा, है ना? जैसे एक दो बच्चों का मेरे को ये फ़ोन आया कि सर ये लिस्टें हमने तो करी नहीं हुई 30, अब ऐसे तो खोद खोद के जो मर्जी निकाल लो आप 50 कर लोगे, मैं 100 दे दूंगा, और कोई दूसरा बंदा 150 की लिस्ट तैयार कर देगा, कोई 200 की लिस्ट तैयार कर देगा। आप तो अभी तो आपको इनवर्ड देखना, अपना देखना कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, राइट? ये मैंने पढ़ा है और अच्छा ही पढ़ा होगा आपने, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने तैयारी नहीं करी, आजकल ज़माना ऑनलाइन का, कोई ऐसा तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वाली तो बात है नहीं है। तो आप सब कुछ जो आपने को पेपर के लिए चाहिए वो आपके नोट है, जस्ट आपको बार बार रिवाइज करना है उसको। कोई एक आधा टॉपिक रह भी गया कोई जरूरी नहीं है उसमें से क्वेश्चन आएगा, है ना? बात तो ये है कि जितना हमने करा है उसको अब हम परफॉर्म करें कि हाँ ये मैं पेपर में करके आऊँगा, राइट? सो आई थिंक दैट इज अनफ, नॉट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। मेरा टाइम मकसद यही होता है 10-15 मिनट में आपसे बातचीत करके, चलो ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी, एक फ्रेशनेस आ जाती है और कॉन्फिडेंस आएगा। एंड अगेन आई विल से यू हैव टू बिलीव इन यू, only you are responsible for your success and only you can make yourself success. Focus on your strengths, believe in yourself, don't look at others. अपने आप में confidence रखो कि मैंने pre-clear करना ही करना है, and you will definitely make it, I am very confident. अपने आप में believe करो बस। चलिए, we'll take off, good night.